अगर आपके सर के पिछले हिस्से में बहुत दर्द रहता है या आप माइग्रेन जैसी हेडेक से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं दिल्ली के इंटरनेशनल पेन सेंटर में काम करता हूँ और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीपिटल न्यूरालजिया के बारे में और इसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले एक नर्व ब्लॉक के बारे में, जिसे हम गॉन ब्लॉक या ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक भी कहते हैं। तो बात करते हैं ऑक्सीपिटल न्यूरालजिया आखिर है क्या। ऑक्सीपिटल मतलब शरीर के ये पिछला वाला हिस्सा, सर के पीछे वाला। न्यूरालजिया मतलब जब नसें ठीक से काम ना कर रही हो, उनसे दर्द उठ रहा हो उनमें, चाहे वो कोई डैमेज की वजह से हो या कोई डिसफंक्शन की वजह से। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो ऑक्सीपिटल न्यूरालजिया का मतलब हुआ सर के पिछले हिस्से में, यानी कि इस जगह पे दर्द होना, और ये दर्द जो है वो नसों की वजह से आ रहा है, यानी कि नसों की प्रॉब्लम की वजह से। तो शरीर के इस हिस्से में बहुत सारी नसें होती हैं। उनमें से तीन प्रमुख नसों के बारे में अगर हम बात करें तो वो होगी ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व और थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व का नाम शायद इसलिए रखा गया क्योंकि वो इस हिस्से के एक अधिकतर भाग को सप्लाई करती है और काफ़ी बड़ी है साइज में, तो इसलिए ग्रेटर। लेसर ऑक्सीपिटल नर्व क्योंकि शायद वो साइज में छोटी है और इस हिस्से के एक छोटे भाग को सप्लाई करती है। थर्ड ऑक्सीपिटल का नाम शायद इसलिए रखा गया क्योंकि बाकी दो के बारे में तो लोग जानते हैं, इसके बारे में कम लोग जानते हैं, इसलिए थर्ड ऑक्सीपिटल। तो मोटे तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस हिस्से के दर्द के कारण में अगर हम बात करें तो ये तीन नसें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ये तीनों नसें जो हैं ये गर्दन के ऊपरी भाग से आती हैं, स्पाइन के अंदर से, और इसी वजह से जो हेडेक्स हैं और नेक पेन जो हैं वो बहुत बार लिंक्ड होते हैं। और अगर हम गर्दन की बनावट के बारे में बात करें तो मैंने और भी अपने अलग वीडियोस में बताया कि इस हिस्से में 7 हड्डियाँ होती हैं, हर दो हड्डी के बीच में से एक नस निकलती है। तो ये जो तीनों नसें हैं ये C2 यानी कि ऊपरी हिस्से की जो सेकेंड नर्व है और C3 यानी कि गर्दन की जो थर्ड नस है, उन दोनों से ओरिजिनेट होती है। और ओरिजिनेट होने के बाद ये नसें जो हैं बहुत सारे मस्कुलर प्लेन्स, फेशियल प्लेन से होती हुई डीप एरिया से ट्रैवल करती हुई सुपरफिशियल आ जाती हैं और इस भाग को सप्लाई करती हैं। इस रूट में, इस जर्नी में ये बहुत सारी मांसपेशियों में से निकलती हैं और कभी कभी अगर उन मांसपेशियों में प्रॉब्लम आए, खिंचाव आए या उनमें स्पैज़म आए तो ये नसें इरिटेट उसकी वजह से हो सकती हैं। और इसी वजह से गर्दन का दर्द यानी कि सर्वाइकल का दर्द और हेडेक जो है दोनों बहुत बार एक साथ में आते हैं और एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। गर्दन से उठने वाले सर दर्द को सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं और इसके बारे में मैंने विस्तार से एक और वीडियो में बात करा है। अगर आप उसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ये मेरे चैनल पे है और इसका नाम है सर्वाइकोजेनिक हेडेक, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इस हिस्से में बहुत सारे और जोड़ भी हैं गर्दन के ऊपरी हिस्से में जो ऐसा ही दर्द हमें दे सकते हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी लेना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो अब हम जब समझ चुके हैं कि ऑक्सीपिटल न्यूरालजिया है क्या, तो ये प्रेजेंट कैसे करेगा, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, आपको पता कैसे चलेगा ये है या नहीं, ये जानकारी आपके लिए होना बहुत जरूरी है। तो इस कंडीशन में दर्द होता है सर के पिछले हिस्से में, ये दर्द जलन की तरह हो सकता है, थ्रॉबिंग सेंसेशन की तरह हो सकता है, भारीपन की तरह हो सकता है, चुभन की तरह हो सकता है, एक इलेक्ट्रिक पेन की तरह हो सकता है। दर्द के साथ साथ इस हिस्से की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि कंघी करने में प्रॉब्लम होने लगती है, बाल बांधने में प्रॉब्लम होने लगती है, कई बार तो सिर्फ तकिए से सर छूने से या टच करने से भी यहाँ पे जो है डिस्कम्फर्ट या दर्द होने लगता है। ये दर्द ज़रूरी नहीं है यहीं पर रहे, ये रेडिएट कर सकता है पीछे से होता हुआ आगे की तरफ, आँखों के ऊपर, आँखों के पीछे भारीपन होना या ऐसा ही दर्द होना बहुत कॉमनली देखा जाता है। दर्द के साथ साथ और जो सिम्टम्स आ सकते हैं उसमें चक्कर यानी कि वर्टिगो, कान के अंदर कुछ घंटियां बजना या अजीब सी सेंसेशन होना दर्द के साथ, टिनाइटस या कान के अंदर दर्द, ये सब भी देखा जा सकता है। और ज़रूरी है कि हम इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें और इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे दर्द को हम माइग्रेन या टेंशन हेडेक या कभी कभी इवन गर्दन से उठने वाला दर्द यानी कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी लेबल कर देते हैं। और ठीक से आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो आपकी ट्रीटमेंट जो है गलत रास्ते चली जाएगी। ये कंडीशन बिल्कुल ट्रीटेबल है और ज़्यादातर लोगों को इससे आराम दिया जा सकता है, इसलिए डायग्नोसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अब आते हैं, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले चैलेंज तो ये है कि इसकी कोई एग्रीड गाइडलाइन नहीं है कि ऐसे 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 करना है, तो इंडिविजुअल वेरिएशंस रहती है। डायग्नोसिस भी क्लिनिकल सस्पिशन से बनता है, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक बहुत टेस्ट नहीं है जो मैं कराऊंगा और बोलूंगा 100% आपको यही प्रॉब्लम। तो इनिशियली जो हम करते हैं, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर ना हो तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि पॉस्चर करेक्शन, फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी, उसके अलावा दवाइयों का प्रयोग। दवाइयों में एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मसल रिलैक्सेंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, न्यूरोपैथिक मेडिकेशन यानी कि नसों पे काम करने वाली दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, और बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों से ही आराम आ जाता है। अगर इन चीज़ों से आराम ना आए तो जो अगला स्टेप होता है वो होता है नर्व ब्लॉक का। नर्व ब्लॉक में हम अल्ट्रासाउंड से देखते हुए जहाँ से ये नस निकलती है वहाँ पे जा करके दवाई डिपॉजिट करते हैं। दवाई यानी कि लोकल एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड का मिक्सचर, कभी कभी हम खाली लोकल एनेस्थेटिक भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऐसा करने से आपका दर्द गायब हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो उससे हमारा डायग्नोसिस भी कंफर्म होता है कि हाँ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इस नस को सुन किया और आपका दर्द चले गया तो ये कंडीशन होने की संभावना जो है वो बहुत बढ़ जाती है। अब जब हमने इंजेक्शन किया तो उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट है वो थोड़े समय के लिए रह सकती है, या महीनों भर के लिए भी आ सकती है, या बहुत लंबे समय के लिए भी आ सकती है। और ये जो नर्व ब्लॉक है यानी कि ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक या गॉन ब्लॉक जैसे हम कहते हैं, ये खाली ऑक्सीपिटल न्यूरालजिया के लिए नहीं इस्तेमाल होता है बल्कि और भी बहुत सारी सरदर्द की कंडीशनों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि माइग्रेन में जिसमें दवाइयों से आराम ना आ रहा हूँ, या सर्वाइकोजेनिक हेडेक जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला, यानी कि गर्दन से उठने वाला हेडेक, उसके अलावा क्लस्टर हेडेक जब ये बहुत एपिसोड हो रहा हो क्लस्टर हेडेक का, या हम चाह रहे हो कि बार बार ना हो प्रोफिलैक्टिक रोल में, तब भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और लेसर यूज्ड इंडिकेशंस के बारे में बात करें तो अगर किसी का लंबर पंक्चर हुआ हो उसके बाद जो हेडेक आता है जिसे हम पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक कहते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। कभी कभी रेयरली अगर क्रॉनिक डेली हेडेक्स रहती हैं उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हमारे पास रिसर्च एविडेंस ऐसा है जो बोलता है कि फ्रीक्वेंटली करने से इस इंजेक्शन की जो एफिकेसी है, जो इफेक्ट है, वो लंबा हो जाता है। अब वो फ्रीक्वेंसी जो है वो रिसर्च में अच्छे से डिफाइन नहीं की गई है। कुछ लिटरेचर ये कहता है हफ्ते हफ्ते के इंटरवल पे करना, कुछ लिटरेचर ये कहता है महीने के इंटरवल में करना। तो जब इनका इफेक्ट बार बार करने से जो है वो क्यूमुलेटिव हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है या और ज़्यादा लंबा रह सकता है। मोटे तौर पे अगर आपको 6 महीने में 3 से ज़्यादा इंजेक्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की ज़रूरत है, यानी कि ऑल्टरनेटिव्स जो इसका जो नर्व ब्लॉक का इफेक्ट है उसको लंबा कर पाए। तो उन ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करें तो उसमें आता है पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी, यानी कि इसी नस पे रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से हम काम करते हैं। और रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से हम ये करने की कोशिश करते हैं कि जो इसमें नर्व के जो दर्द के सिग्नल जा रहे हैं उसको मॉड्यूलेट करें, यानी कि उसको कंट्रोल करें, उसको रिड्यूस करें, ताकि ये जो आपका जो नर्व ब्लॉक का इफेक्ट है वो एक लंबे समय के लिए आ पाए। तो ये काफ़ी एक इफेक्टिव या गुड ऑप्शन है और सेफ ऑप्शन है और बहुत लोगों में ये अच्छा आराम है। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी किया जा सकता है। तो अब पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये दोनों बहुत मिलती जुलती टर्म्स हैं। मोटे तौर पे एक स्पेशल नीडल है, एक स्पेशल इक्विपमेंट है, हम नस के पास जाएंगे और उस पर काम करेंगे। पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी हम तब बोलते हैं जब हम सिर्फ 42 डिग्री तक उस नस पे काम करते हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन तब बोलते हैं जब हम एक तरीके से उस नस को जलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री तक जाता है। तो जलाने से यानी कि 80 डिग्री तक जाने से या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो उसका दूसरा टर्म है वो करने से कभी कभी वहाँ नस में सूजन आ जाती है और जो सेंसेशन है उस जगह की वो अल्टर हो जाती है और कभी कभी दर्द बढ़ने का भी रिस्क रहता है। तो इसको बहुत संभल करके और बहुत कंसिड्रेशन के बाद ही यूज़ करना जो है अच्छा रहता है। लेकिन पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि जब हम सिर्फ 40 डिग्री तक उस नस पे काम करते हैं उसमें ऐसा रिस्क नहीं होता।
तो ये तो ऑप्शन जो मैंने बात करी लंबा करने की वो थी एक तरीके से हॉट टेम्परेचर को यूज करके। ऐसे ही एक और ऑप्शन है जिसे हम क्रायो एब्लेशन कहते हैं। क्रायो एब्लेशन मतलब कि ठंडा करना, क्रायो मतलब ठंडा और एब्लेशन मतलब डिस्ट्रॉय करना। सो अगर हम इसी नस को -80 degrees तक कूल करें तो उससे ये जो नस है इसकी जो जो पेन सिग्नल ट्रांसमिट करने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। हाँ, जरूर इस हिस्से में सुनपना आता है लेकिन जो आपका दर्द है वो लंबे समय के लिए ऐसी ट्रीटमेंट से दब सकता है। तो क्रायो एब्लेशन को अगर मैं सिंपली समझाना चाहूँ तो एक खास तरह की नीडल या प्रोब होता है, उसको हम नस के पास तक ले जाते हैं अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, और जब नस के पास पहुंच जाते हैं तो उस नस को हम -80 degrees पे फ्रीज कर देते हैं तो वो काम नहीं कर पाती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो यानी कि जो उसकी जो बाहर वाली जो कोटिंग है वो प्रिजर्व रहती है लेकिन अंदर वाले जो सिग्नल जो कंडक्ट हो रहे होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऐसा करने से आपका दर्द जो है वो कम हो जाता है और आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाता है। कुछ समय बाद ये नस वापस ग्रो कर जाती है तो हो सकता है कि दर्द वापस आए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वापस आए, और अगर आए भी तो ज़रूरी नहीं है कि उतनी सीवियरिटी से आए जितना कि पहले था। क्रायो एब्लेशन यानी कि फ्रीजिंग का एक जो खास एडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि इसमें नस में सूजन नहीं आती है और दर्द बढ़ने का जो रिस्क है वो बहुत कम या नेग्लिजिबल रहता है। तो ये मेरा प्रेफर्ड अप्रोच है अगर आपके नर्व ब्लॉक से लंबा असर नहीं आता है तो। इसके अलावा अगर मान लें कि इन सब चीज़ों से भी आपको आराम नहीं आया तो एक और विकल्प है, वो है सर्जिकल विकल्प। सर्जिकल विकल्प में क्या होता है, एक तो होता है नर्व का डीकम्प्रेशन, यानी कि अगर उस नस पे किसी वजह से दबाव है तो सर्जिकली उस जगह को खोल के वो दबाव को हटा दिया जाए, जिसे हम सर्जिकल डीकम्प्रेशन कहते हैं। उसके अलावा एक और जो विकल्प है वो होता है स्टिमुलेटर्स, नर्व स्टिमुलेटर्स का। तो इसमें जो नस है उसके पास में एक मेटालिक वायर या एक नर्व स्टिमुलेटर जैसी चीज़ डाल दी जाती है जिसे हम बहुत सारे तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं, और इस ट्रीटमेंट का भी यही मकसद रहता है कि जो नर्व में सिग्नल जा रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रिकली मॉड्यूलेट करें या कंट्रोल करें ताकि जो आपको दर्द हो रहा है वो कम महसूस हो। नर्व ब्लॉक्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी, क्रायो एब्लेशन, इन सब को करते हुए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड से हम इस नस को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। दूसरा, अल्ट्रासाउंड हमें ये ऑप्शन देता है हम इस नस को डीप एरिया में टारगेट कर पाए। डीप एरिया से मेरा मतलब है जहाँ से ये निकल रही है वहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है डीप एरिया में टारगेट करने से रिस्पॉन्ड करती है। ये नस सुपरफिशियली भी यहाँ पे एक आर्टरी के बगल में महसूस की जा सकती है, वहाँ पे ट्रीटमेंट करने से कभी कभी सक्सेस उतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम तब होती है जब वो मांसपेशियों में से निकल करके आ रही होती है और वहाँ पे ट्रैप हो रही होती है। तो उसको डीप एरिया में टारगेट करने से जो सक्सेस है वो बढ़ जाती है। अगर मोटे तौर से मैं ये जो गॉन ब्लॉक है इसके स्टेप्स बताना चाहूँ तो संक्षेप में वो ऐसे होंगे कि सबसे पहले तो हमें जो भी प्रोसीजर करना है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, क्रायो एब्लेशन या सिंपल ब्लॉक, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो सब चाहिए। उसके बाद जो मरीज है उसको ज़्यादातर अपने पेट के बल लेटने को कहा जाता है और गर्दन को ऐसे फ्लेक्स पोस्चर में रखा जाता है। फिर हमें अगर प्रोसीजर के लिए कोई भी मॉनिटरिंग अटैच करनी है, जो कि एक रूटीन रहता है कोई भी प्रोसीजर करते हुए, वो अटैच किया जाता है। उसके बाद गर्दन के इस हिस्से का हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं और नस को आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार नस आइडेंटिफाई हो जाती है तो उस एरिया को हम अच्छे से क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद अल्ट्रासाउंड से देखते हुए एक खास नीडल को हम उसके पास तक ले जाते हैं नस के, और कंफर्म करने के लिए बहुत बार हम नर्व स्टिमुलेटर का भी प्रयोग करते हैं। नर्व स्टिमुलेटर में थोड़ा सा करंट डाल करके हमें पता चल जाता है कि सेंसेशन कहाँ जा रही है, और उससे नर्व को हम बहुत सटीक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार नस मिल गई तो उसके बाद जो भी हमें ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो खाली दवाई देनी है नर्व ब्लॉक के लिए, या हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी करनी है, या हमें क्रायो एब्लेशन करना है, वो प्रोसीजर किया जाता है। उसके बाद उस नीडल को हटा दिया जाता है, वहाँ पे एक छोटी सी ड्रेसिंग लगाई जाती है, और आपको थोड़ी देर और के लिए मॉनिटर किया जाता है।
सब कुछ ठीक है तो आपको इमिजिएटली डिस्चार्ज किया जा सकता है, यानी कि ये डे केयर प्रोसीजर है। और बहुत बार अगर सिंपल नर्व ब्लॉक है तो ओपीडी में भी किया जा सकता है, इसके लिए कोई लंबा दाखिला या ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। तो ये थी जानकारी ऑक्सीपिटल न्यूरालजिया और ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी है इस हिस्से में दर्द की या सेंसिटिविटी की या इवन माइग्रेन जैसी हेडेक्स के लिए, तो उसमें ये एक विकल्प है जो कंसिडर किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी मैंने जानकारी दी वो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक साबित होगी। और हमसे जुड़े रहिए, समय समय पर हम ऐसी बहुत सारी और कंडीशंस के बारे में आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।